इतनी सारी चीजें दी हैं तुम्हें जहेज में, उसके बावजूद भी तुम्हारा मुंह बना हुआ है। मेरी बात का यकीन कर, जब जहेज के ट्रक तेरे ससुराल पहुंचे ना, वो तेरे ससुर की आंखें फटी की फटी रह गई। और यही हालत तेरी सास की थी पुत्री, तेरी बड़ी इज्जत बन गई है वहां पे, यकीन कर। लेकिन मेरी उम्मीद से बहुत कम दी है अब्बा। तो और क्या चाहिए तुम्हें? लिस्ट दी थी ना इतनी लंबी, देखनी थी आपने। तुम वाली बातें मत करो जुई। इंसान चाहे जितना भी अमीर हो, जितना भी करोड़पति हो, पैसा लुटाने के लिए नहीं होता उसके पास। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा इतना जहेज बन गया। तुम्हारी इस लिस्ट की वजह से सुंबुल और उसके बाप के सामने मैं जितना जलील हूं, शर्मिंदा हूं, तुम्हें अंदाजा है? सोच नहीं सकती तो। ले, शर्मिंदगी की क्या बात है, कोई एहसान की है? जो कुछ भी लिया है अपना हक लिया है। मेरा इतना लैक फैक बेटा उस चुड़ैल के कब्जे में है, वो तो सांस भी नहीं ले सकता उसकी मर्जी के बगैर। समझती क्या अपने आपको? आप शायद भूल रही हैं अम्मा, ये कह तो आपके बेटे ने खुद अपने लिए चुनी है। की कमी थी। चलो बस कर रोना, पिटना बंद कर दे, नुसरत होती है शादी से पहले रोना। जूही, जो कुछ मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र करो, अच्छा खासा जहेज है तुम्हारा। तुम एक दफा जहेज देखो तो सही, सब चीजें तो हैं उसमें। रहने दे आप लोग, रहने दे।